हरे कृष्णा मित्रों, हरे कृष्णा। एस्ट्रो मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर एस्ट्रो मंत्रा। आज 3 मई, दिन शुक्रवार, साल 2024, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, जो कि रात्रि 11:24 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्रों की बात करें तो आज सप्तदिशा नक्षत्र है, जो कि अगले दिन 4 मई को सुबह के 12:06 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। योग में ब्रह्म योग है, जो कि दोपहर को 2:19 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग शुरू होगा। करण में वाणिज्य करण, जो कि दोपहर के 12:40 तक रहेगा। उसके बाद विष्टिकरण, शक संबत 1946, क्रोधी नाम संबत सर, विक्रम संबत 1981, पिंगल नाम संबत सर। आज सूर्य मेष राशि में स्थित हैं, आज चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित हैं, आज सूर्य के नक्षत्र भरणी नक्षत्र है। मुहूर्तों की बात करें तो आज के पंचांग के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 4:13 से शुरू होगा, तो 4:56 तक रहेगा। प्रातः संध्या की बात करें तो 4:34 से लेकर 5:39 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज का विजय मुहूर्त दोपहर 2:31 से दोपहर 3:26 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 6:56 से 7:18 तक रहेगा। आज की शाम संध्या की बात करें तो शाम को 6:58 से रात्रि 8:02 तक रहेगा। आज का विशेष अमृत काल शाम को 5:25 से शाम 6:54 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त की बात करें तो रात्रि 11:56 से रात्रि 12:39 तक रहेगा। ये रहा मित्रों आज का पंचांग और विशेष महामुहूर्त। बात करते हैं आगे हम आज का राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि का। मेष राशि वाले जातक, आज का दिन आपका विशेष रूप से 70% भाग्य साथ देगा और 30% कर्म साथ देगा। शुभ रंग आपका लाल है और ग्रह का राशि ग्रह जो है वह मंगल है। मंगल आज आपको अधिक ऊर्जा देंगे। आज अधिक ऊर्जा के कारण आपके मन में एक उतावलापन किसी कार्य को करने का होगा और शीघ्र निष्पादन करेंगे। आज इसका मतलब है कि आज बहुत कम समय में किसी कार्य को कर लेंगे। आज की ऊर्जा आपके शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ गुस्सा ज़्यादा आएगा। गुस्सा पर काबू रखें। गुस्सा पर काबू रखने के लिए आज विशेष रूप से 15 मिनट तक आपको ध्यान साधना करना है। आज का शुभ रंग आपका लाल, शुभ रत्न मूंगा और पूज्य देवता हनुमान जी, इन्हें मारु तुहि सपत राम की, राखो नाम मर्जाद नाम की, जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। इस प्रकार के महामंत्रों के साथ आज के दिन की शुरुआत करें और साथ ही साथ आज की प्रातःकाल तुलसी माता के वृक्ष में जल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं एस्ट्रो मंत्रा में। अगली राशि वृषभ राशि है, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, और वृषभ राशि वाले जातक आज बहुत ज़्यादा उत्साह में रहेंगे। यानी लंबे समय से जिस कार्य की प्रतीक्षा है, उस कार्य की प्रतीक्षा आज समाप्त हो गई। आज आप उत्साहपूर्वक उस कार्य को कर लेंगे। आज आपका भाग्य 60% साथ देगा, कर्म 40% साथ देगा। शुक्र आपके मन में अनुकूलता प्रदान करेंगे। प्रातः काल उठ करके आज के दिन गौ माता को अपने हाथ से अन्न, गुड़ अथवा घास खिलाएं तो आज का दिन निश्चित तौर पर अच्छा होगा। शुभ अंक 6 है और 6/15/24 तारीख को जन्म व्यक्ति आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे। शुभ रत्न हीरा है और पूज्य देवता माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ त्रिपुर सुंदरी का यह महामंत्र, ह्रिंग श्रृंग का इलहरिंग हसक हलहरिंग सकलहरिंग। इस महामंत्र से आज अगर वृषभ राशि वाले जातक इसका जप करके दिन की शुरुआत करें, एक माला जप करें, निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि मिथुन राशि है,
जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं, और मिथुन राशि वाले जातक आज बुध आपको बहुत ज्यादा आलस्य की स्थिति पैदा करेंगे, जिसके कारण आज आपके मन में राग द्वेष की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्यों के निष्पादन में बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। 40% भाग्य और 60% कर्म साथ देगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आज के दिन लड़ाई झगड़ा से बचें। आज घर से निकलते ही हो सकता है कि आपकी बहस घर से बाहर हो जाए, उससे बचने के लिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान गणपति को ध्यान करते हैं। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, इस महामंत्र का विशेष रूप से जप करते हुए घर से निकलें। और आज आपका पन्ना रत्न विशेष कारगर रहेगा। आज आपके 5, 14, 23 तारीख वाले जन्मे व्यक्ति आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे। आज के दिन आपका शुभ हो, यही कामना के साथ बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि। अगली राशि एस्ट्रो मंत्रा की कर्क राशि है। कर्क राशि के जातक 70% भाग्य साथ देगा। चंद्रमा मन सो जातक, चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्रमा आपके मन में मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को बढ़ाएंगे। आज आपका स्मरण शक्ति उत्तम होगा। स्वास्थ्य में लाभ की प्राप्ति होगी। लंबे समय से चल रहे प्रतिकूलता से अनुकूलता में स्वास्थ्य बढ़ेगा। 7, 16, 25 तारीख के जन्म व्यक्ति आपके लिए लाभकारी रहेंगे। 7 मूल अंक आपके लिए विशेष लाभ देगा। मोती रत्न आपके लिए विशेष कारगर होगा। आज गुस्सा पर काबू रखने के लिए मोती का माला का धारण करें। भगवान शिव के मंदिर में जाएं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, इस महामंत्र से एक माला मंत्र का जप करते हुए वहां शिवालय पर विशेष रूप से भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमः शिवाय, इस महामंत्रों से दिन की शुरुआत करें। आज का दिन निश्चित तौर पर शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि सिंह राशि, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। 60% भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। गुस्सा ज्यादा आएगा। आज की ऊर्जा आपके अंदर ज्यादा रहेगी, लेकिन निगेटिव नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा रहेगा। गुलाबी रंग आपको लाभ देगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रत्न माणिक्य है, पूज्य देवता भगवान सूर्य हैं। और जल्दीबाजी में आज किसी कार्य को न करें, धीरे धीरे कार्य को करें, अच्छा रहेगा। नमस्तुभ्यं प्रभाकर, नमस्तुते सप्ताश्वर रथ मारुढ़ प्रचंड कश्यपात्मजहम, इस प्रकार के महामंत्रों से आज के दिन की शुरुआत करें। आज का दिन निश्चित तौर पर शुभ होगा। इसके साथ साथ विशेष रूप से यह भी महामंत्र ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, एक बार फिर से सुन लें। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्ताश्वर रथमारूढ़ प्रचंड कश्यपात्मजम, इस प्रकार के महामंत्रों से आज के दिन की शुरुआत करें। योग प्राणायाम ध्यान से दिन की शुरुआत करें, आज का दिन शुभ होगा। बात करते हैं मित्रों अगली राशि एस्ट्रो मंत्रा की कन्या राशि है, जिसके स्वामी ग्रह बुध हैं। और आज आपको बुध विशेष लाभ की प्राप्ति देंगे। 65% भाग्य साथ देगा, 35% कर्म साथ देगा। आज आलस्य को त्याग करके आपको पुराने कार्य का निष्पादन करना है। यात्रा से परहेज करें। यात्रा में आर्थिक क्षति हो सकती है, इसलिए यात्रा में परहेज करने की जरूरत है। पिता और पुत्र और संतान के साथ आज भोजन करें। आज भोजन करते समय यह महामंत्र का जरूर जप कर लें। हरि ओम मानभ्या आशीदंतरिक्ष गौं कृष्णो देहरत लघु सा वर्तते पदभ्याम भूमि दिशा तथा लोकानाम अकल्पेत अथवा त्वादीयं वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पित, हे प्रभु आपके दिया हुआ वस्तु आप ही को समर्पित है, यह कह करके और पूरे परिवार के साथ अन्न को ग्रहण करें। निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। गणपति भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक दंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः, प्रपन्न जन पालाय प्रणताति विनाशिने, इस प्रकार के महामंत्र से गणपति देव को प्रसन्न करते हुए आज के दिन की शुरुआत करें।
आज आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम बात करते हैं अगली राशि तुला राशि, एस्ट्रो मंत्रा की तुला राशि, जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है। 60% भाग्य साथ देगा, 40% कर्म साथ देगा। आज के दिन आपको शुभ समाचार की प्राप्ति, घर में संतान की प्राप्ति और साथ ही साथ आज धन की भी प्राप्ति का उत्तम योग बनता है। विदेश से धन की प्राप्ति का भी उत्तम योग बनता है। शुभ रंग सफेद, उजला, क्रीम, हल्का पीला। शुभ अंक 6, 6, 15, 24 अच्छा रहेगा। शुभ रत्न हीरा, पूज्य देवता माँ भगवती, और भगवती को प्रसन्न करने के लिए यह महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौं ह्रूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हं सं लं चं पट स्वाहा। इस प्रकार के एस्ट्रो मंत्रा में इस महामंत्र का जप करें। आज के दिन इस महामंत्र का एक बार भी जप कर लेते हैं, यह दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्रोत का महामंत्र है। संपुटित विशेष रूप से यह संपुटित महामंत्र है और बीज मंत्र है। इसके जप करने से परिवार में कलह से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि और साथ ही साथ माँ भगवती कृपा की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मित्रों अगली राशि वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देव, शुभ देवता हनुमान जी। आज आपका भाग्य जो है वह 20% साथ देगा, 80% कर्म साथ देगा। भाग्य के भरोसे न बैठें, कर्म को करें। आवश्यकता से अधिक कहीं बहस न करें, जुबान न चलाएं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर में रह करके आज प्रातः काल योग ध्यान करके हनुमान जी का मंत्रोच्चार करें। और नौकरी पेशा वाले लोग घर से निकलते समय आप बन सके तो एक लौंग चबाते हुए निकलें। साथ ही साथ हनुमान जी का ध्यान करके जरूर काम की शुरुआत करें। हनुमान जी का या महामंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय होम पट, ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल, इस महामंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। निश्चित तौर पर आज का दिन शुभ होगा। एस्ट्रो मंत्रा में बात करते हैं मित्रों अगली राशि धनु राशि, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव। आज आपका भाग्य 60 से 70% तक साथ देगा, 30 से 40% कर्म का साथ होगा। बृहस्पति देव आज आपको गुस्सा ज्यादा दिलाएंगे, गुस्सा पर काबू करने की जरूरत है और पिता और पुत्रों के संबंधों में मधुरता बरतने की जरूरत है। शुभ रंग पीला, 3 बार 21-30 लाभकारी। और भगवान विष्णु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, त्वमादिदेव पुरुषा पुराणम, त्वमश्च विश्व च परम निधानम, वेतास्य विद्यं च परम च धाम, त्वया ततम विश्वरम तरूपम, वायोर्जमोग्नि वरुणा सतंका प्रजापतिष्ठम प्रविता महस्ये नमो नमस्ते तुषास्व कृत्वा पुनश्च भ्योपि नमो नमस्ते, नमा पुरस्य दधपि दधस्ते, नमामि तोषि तदोषि सर्वम, अनंत विरजामि थवेक्षमाप्नोषि श्रीसमाप्नोषि तदोषि सर्वम। इस प्रकार के महामंत्र जो विशेष रूप से भगवद गीता में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए यह लिखा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम्ही हो माता तुम्ही हो पिता। इस महामंत्र का त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम्ही हो बंधु और तुम्ही सखा हो, तुम्ही मित्र हो। इस प्रकार के महामंत्रों का आज के दिन एक बार पाठ करके घर से निकले, निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। बात करते हैं मित्रों अगली राशि मकर राशि, जिसके स्वामी ग्रह शनि देव हैं। मकर राशि वाले जात को आज आपका 65% भाग्य, 35% कर्म साथ देगा। शनि देव आज आपको धन, लोहा से धन, कोयला से धन, तेल से धन, इसके साथ साथ माइंस से धन की प्राप्ति कराएंगे। आज अगर इन सब के व्यापारी मकर राशि वाले जातक हैं तो आज आपका विशेष लाभ की प्राप्ति दिखता है। साथ ही साथ
नौकरी पेशा में काम करने वाले लोग आज थोड़ा सा असहाय की स्थिति में महसूस करेंगे, क्योंकि आज आपके बॉस आप पर हावी रहेंगे। इसके साथ साथ आज पारिवारिक कलह से मुक्ति भी मिलेगी। शुभ रंग जो है वह काला नीला, शुभ अंक 8, शुभ रत्न नीलम, पूज्य देवता शनिदेव, शनिदेव का यह महामंत्र नीलांजन स्वभावा शंभ्रवि पुत्रम व्यमाग्रजम छाया मार्तंड संभोतम तम नमामि शनैश्वरम। इस महामंत्र के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। आज का दिन आपका शुभ हो, यही कामना के साथ बात करते हैं मित्रों अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि एस्ट्रो मंत्रा की कुंभ राशि, शनिदेव कुंभ राशि में ही बैठे हैं, इसलिए 100% भाग्य साथ देगा, 100%। आज जो कुछ भी करेंगे उसका लाभ पॉजिटिव मिलेगा, मन पॉजिटिव रहेगा, परिवार में खुशियां होंगी और मित्रों से संबंध में मधुरता आएगी। शुभ रंग काला नीला, शुभ अंक 8, 17, 26, शुभ रत्न नीलम, पूज्य देवता शनिदेव, नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। इस महामंत्र के साथ आज शनिदेव को विशेष प्रणाम करें। आज का दिन आपका शुभ हो, यही कामना के साथ मित्रों अगली और अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव हैं और मीन राशि वाले जातकों के लिए 40% भाग्य 60% कर्म। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 3 बार 21, 30, शुभ दिशा पूरब। और आज मीन राशि वाले जातक गुस्सा पर काबू रखें, आप असमंजस की स्थिति में ना रहें, परिवार के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न ना होने दें, संतान के प्रति समर्पित रहें और नशा से मुक्त रहें। मीन राशि वाले जातक नशापान से मुक्त रहें। पुखराज रत्न आपके लिए विशेष कारगर, शुभ देवता भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का यह महामंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस महामंत्र से आज के दिन की शुरुआत करें, आपका दिन निश्चित तौर पर शुभ होगा। सभी राशि के जातकों के लिए अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन आपका शुभ हो, यही कामना के साथ हम बात करेंगे आज का अचूक उपाय। 3 मई है मित्रों, आज का अचूक उपाय, किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो घर से सभी राशि के जातक बाहर निकलते वक्त मुंह में 2 लौंग को रखकर निकलें और कार्य स्थल पर लौंग के कुछ अवशेष मुंह से फेंक दें। अपने इष्टदेव का ध्यान करते हुए उस कार्य में सफलता के लिए प्रार्थना करें, ऐसा करने से आपको उस कार्य में बिल्कुल सफलता मिलेगी और आज का दिन निश्चित तौर पर शुभ होगा, यही कामना के साथ हरे कृष्ण।